आइए सियासी उथल पुथल में आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर मराठा आंदोलन की आग अब और भड़कती चली जा रही है। आंदोलनकारी हिंसक हो रहे हैं। भीड़ में शरद पवार गुट और अजित पवार गुट दोनों ही तरफ के विधायकों के घरों को आज आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी हिंसक झड़पें हुई है। आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र धधक रहा है। मराठा समुदाय के गुस्से की आग सब कुछ खाक करने पर आमदा है। आंदोलनकारियों ने उपद्रव का रास्ता अख्तियार कर दिया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की है। मराठा आंदोलनकारियों ने शरद पवार के गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर और उनके चाचा पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के बंगले पर आग लगा दी। आंदोलनकारियों ने विधायक के घर में घुसकर 5 से 6 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बीड में एनसीपी के दफ्तर में भी आगजनी की गई और होटल में भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें भी बीड की ही है। आरक्षण पर भड़की भीड़ ने अजित पवार गुट के विधायक के घर पर आग लगा दी। पहले प्रदर्शनकारियों ने अजित पवार गुट के मौजूदा विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर पथराव किया। इस पथराव में कारों को काफी नुकसान पहुंचा, फिर उनके घर को फूंक दिया। प्रकाश सोलंके के नाम से वायरल हो रही एक और ऑडियो क्लिप को हमले के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस ऑडियो क्लिप में प्रकाश सोलंके कथित तौर पर मनोज जारंगे पर टिप्पणी करते हुए सुनाई देते हैं। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारंगे ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी। बीड के मजलगांव में एमएलए सोलंके के घर को फूंकने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मजलगांव नगर पालिका में आग लगा दी। इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जलने की आशंका भी जताई जा रही है। मराठा आरक्षण मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने संभाजी नगर के गंगापुर विधायक प्रशांत बंब के ऑफिस में भी तोड़फोड़ मचाई है। बीजेपी विधायक के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाले लोगों का कहना है कि सत्ता में बैठे नेता मराठाओं को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे आंदोलनकारियों ने पहले जिले में चक्का जाम किया, उसके बाद रास्ते में खड़े इस टैंकर से भैंसे भी बांध दी जिन पर लिखा है मराठा आरक्षण। हिंगोली जिले में 20 से ज्यादा जगहों पर मराठा समाज कार्यकर्ता अनशन आंदोलन कर रहे हैं। जालना में आंदोलनकारियों ने समृद्धि महामार्ग को जाम कर दिया। इस वक्त हम समृद्धि महामार्ग पर हैं। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जालना इलाके में मराठा रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन चल रहा है वहां पर यह हाईवे को बंद किया गया है, रोका गया है। लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सरकार थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़ रही है, फिर भी आंदोलन जो तीव्र होता दिख रहा है, क्यों? सर इसमें क्या है, सरकार कोई आरक्षण के ऊपर कोई ये नहीं कर रही। बोलो तो हमको आरक्षण जल्दी होना, लेकिन सरकार हमारी तरफ से टाइम ले रही, खाली टाइम ले रही। अभी भी टाइम लेने का समय और आगे इलेक्शन है करके हमको हमारा समाज का खाली टाइम पास करने का है, ऐसा रहता शासन का है हमको लग रहा है। और मनोज जारंगे पाटिल की तबियत एकदम पूरी, मतलब पूरे काम से गए वाली है। धुले में मराठा आरक्षण का विरोध करने वाले नेताओं की शव यात्रा निकाली गई तो पुतले को चप्पलों से पीटा गया। सोलापुर में मराठवाड़ा तक सभी बस यात्राएं रद्द कर दी गई है। नांदेड़ में भी एसटी बस सेवा 2 दिन से बंद है। जिले के सभी बस डिपो और लंबी दूरी पर जाने वाली बस यात्राएं रद्द कर दी गई है। बारामती में आंदोलनकारियों ने नेताओं पर गुस्सा निकाला, उनके पोस्टर पर काली पोत दी। नांदेड़ में मराठा युवकों ने बीएसएनएल टावर पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर एक युवक ने अपने शरीर को मिट्टी में दफनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। महाराष्ट्र में एक दशक से मांग हो रही है कि मराठाओं को आरक्षण मिले।